नमस्कार, स्वागत है आपका सिनेस्पीक के एक और एडिशन में। आज मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ एक अमर जोड़ी के बारे में। वो जोड़ी है पीबी श्रीनिवास की और कन्नड़ा सिनेमा के जो देवता माने जाते हैं, जो भगवान माने जाते हैं, डॉक्टर राजकुमार उनकी। हालांकि पीबी श्रीनिवास जो थे वो अपने आप में काफ़ी फेमस सिंगर थे और साउथ में सिर्फ कन्नड़ा में नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी उन्होंने काफ़ी गीत गाए। और सबसे ख़ास बात क्या थी कि इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ गाने के बावजूद जिनके साथ उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा पहचानी गई वो थे डॉक्टर राजकुमार। जनता जो है उन दोनों के कॉम्बिनेशन को देख करके हमेशा ही आनंदित होती थी। एक बात बताऊं मैं आपको, इतनी ज़्यादा इन दोनों की जो है कॉम्बिनेशन अच्छी थी कि अनावरू ने एक बार खुद कहा कि मेरी तो आवाज़ श्रीनिवास ही है। और वो जो है जब भी बात करते थे तो एक शब्द का प्रयोग करते थे कि श्रीनिवास मेरी ध्वनि है और मैं सिर्फ शरीर मात्र हूँ। और ये जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। जबकि राजकुमार जो थे, डॉक्टर राजकुमार स्वयं में बहुत बड़े कलाकार थे, वो गाते भी उतना ही अच्छा थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर राजकुमार को स्वयं जो है अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड गाना गाने के लिए। बावजूद उसके पीबीएस ने करीब करीब 300 गीत गाए अनावरू के लिए और हर गीत मुझे लगता है कि जनता के सामने सुपरहिट हुआ। जब राजकुमार साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला 1995 में, तो 1995 में तो श्रीनिवास इतने प्रसन्न हुए जैसे कि उन्हें ही अवार्ड मिल गया। श्रीनिवास ने कहा कि वो बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ को भी एक बहुत बड़ा ये पुरस्कार मिला है। वो स्वयं को मानते थे डॉक्टर राजकुमार की फिल्म पर्सनैलिटी का एक हिस्सा। और मैं कहूँ कि जब भी नाम लिया जाता था राजकुमार जी का, उस समय उनका नाम स्वतःभूत ले लिया जाता था। 1974 में जिस समय जो है एक ऐसा बात हुआ कि श्रीनिवास जी उपलब्ध नहीं थे गीत गाने के लिए, तो फिल्म का नाम था संपत्ति के सवाल। और उस समय जो वहाँ के संगीतकार जो थे जीके वेंकटेश, उन्होंने जो है राजकुमार जी से कहा कि एक काम करें, आप स्वयं इस गीत को क्यों नहीं गा लेते, आप तो इतने अच्छे गायक हैं, जब श्रीनिवास जी आएंगे तब उनसे गीत गवा लिया जाएगा। यारे कूगडिल, एक ऐसा गीत जिसे गाया जाना था श्रीनिवास जी के द्वारा, उस गीत को गाया राजकुमार जी ने। और उस गीत के बाद ये एक ट्रेंड सा बन गया कि राजकुमार जी स्वयं अपने गीत गाएं। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से हर एक फिल्म में कम से कम वो एक गाना तो जरूर देते थे पीबीएस को, इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बिना, पीबीएस के गाए बिना जो है डॉक्टर राजकुमार को एक बड़ा खालीपन सा लगता था। ये था उन दोनों व्यक्तियों के बीच का प्रेम। इस तरह का प्रेम जो है आपको हिंदी फिल्मों में भी देखने के लिए मिला, चाहे वो राज कपूर और मुकेश जी की जोड़ी हो, या राज कपूर के भाई साहब शमी कपूर जी की जोड़ी हो रफ़ी साहब के साथ, या उसी तरह से जो है रफ़ी साहब की जोड़ी हो राजेंद्र कुमार के साथ। कई ऐसे कलाकार थे जिनकी आवाज़ एक ही आवाज़ के साथ पहचानी जाती थी गायन में। और इसी तरह का एक अद्भुत सा मेल था डॉक्टर राजकुमार का और पीबीएस का। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि आप जब डॉक्टर राजकुमार को लिपसिंग करते हुए देखेंगे पीबीएस के गीतों को, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये जोड़ी इतनी ज़्यादा फेमस थी। क्योंकि दोनों के जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता था, जो चेहरे मतलब होठों के खुलने का और बंद होने का जो एक अंदाज होता था, वो ऐसा लगता था कि डॉक्टर राजकुमार स्वयं गा रहे हैं। एक कलाकार और उसकी जो आवाज़ होती है, जो प्लेबैक सिंगर होता है उसका, उसके बीच में यदि ऐसा समन्वय हो, यदि इस तरह की जो है एक कोऑर्डिनेशन हो, तो मेरे ख्याल से ये एक अनइमेजिनेबल और एक अद्भुत किस्म का जो है जोड़ बनता है। और वही जोड़ था पीबीएस का और अनावरू का। मैं यहाँ उनके 300 गीतों को अगर गिनाने बैठूँ तो शाम हो जाए, अगले दिन की सुबह हो जाए और फिर शाम हो जाए। यदि एक एक लाइन गाऊं मैं उनके, तो ये कार्यक्रम अनंत चलता चलेगा ऐसा लगेगा आपको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जाकर के आप सर्च करें कि जहां वो कई जगह पर इस तरह के जो है वीडियोस बन करके रखे हुए हैं, जहां अनवरू के लिए जब जब श्रीनिवास जी ने गाया है उनका एक जैसे होता है टॉप 10 डॉक्टर राजकुमार एंड पीबीएस, आपको इस तरह के वीडियोज मिलने शुरू करेंगे। आप जाएं और सुने,
आपको पता चलेगा कि गीतों की मधुरता क्या होती है और आज के गीतों में क्या मिसिंग है। एक अद्भुत गायक, उससे भी जो है बढ़ करके एक अद्भुत कलाकार, एक अदाकार, और उन दोनों का एक अद्भुत संगम। मैं उस युग में जिया तो नहीं कभी जब ये दोनों एक साथ गाते थे, क्योंकि मेरा जन्म ही इन दोनों के मतलब 1974 के बाद हुआ, तो मुझे कभी देखने का मौका नहीं मिला इन दोनों को एक साथ, जो है फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप की, मैं पहले दिन जाके देखूं। लेकिन मैं सोच सकता हूं कि जब व्यक्ति जाते होंगे सिनेमा हॉल में, उस ज़माने में रेडियो पर गीत बजा करते थे, और रेडियो पर गीत सुनने के बाद जब वो सिनेमा हॉल में जाते होंगे और देखते होंगे डॉक्टर राज को परफॉर्म करते हुए उस गीत को, तो क्या आनंद महसूस करते होंगे। वो आनंद मैं भी कभी कभी महसूस कर लेता हूँ जब मैं यूट्यूब पे वो गीत सुनता हूँ कभी कभी, लेकिन बड़े पर्दे पर वो आनंद उठाना मेरे सौभाग्य में नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि आप में से जो व्यक्ति सुने होंगे उन दोनों व्यक्तियों के गीत को बड़े पर्दों पे, हमसे जो कुछ बड़े उम्र के हमारे लोग हैं देखने वाले, वो अपनी भावनाएँ आकर के हमारे यूट्यूब पर बताएं कि जब आप उन दोनों के गीतों को एक साथ सुनते थे तो आपको कैसा महसूस होता, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इन दोनों व्यक्तियों के कॉम्बिनेशन का, या करके हमारे आप यूट्यूब चैनल पे बताएं। वहाँ पर हम इस जो प्रोग्राम का जो सेगमेंट है उसे अलग अलग वीडियो करके अपलोड करते हैं। वहाँ पर आकर के यदि आप हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे कि आपको क्या पसंद है, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक कहीं जाइएगा मत। मैं लौटने के बाद कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 2018 के जो का तमाम रिलीज हुए हैं उसके बारे में एक छोटा सा राउंड अप करूंगा। मिलता हूं एक छोटे ब्रेक के बाद।